हेलो एवरीबडी वेलकम टू आशीष सिंह लेक्चर्स आई एम मदीहा खान योर फ्रेंड हु इंग्लिश तो ये हमारी जो है लास्ट पोइट्री है इस बुक और इसका नाम स्नेक ठीक है सिर्फ स्नेक एक स्नेक के बारे में पोइट्री है जो किसके द्वारा लिखी गई है डी एच लॉरेंस के द्वारा लिखी तो आज इसको स्टार्ट करते हैं अ स्नेक केम टू माई वाटर ट्रो ऑन अ हॉट हॉट डे एंड आई इन माई पजाम फॉर द हीट टू ड्रिंक दर in the deep strange scented shade of the great dark carob tree i came down the steps with my pitcher and must wait must stand and wait for there he was at the trough before मी ठीक है तो यहाँ पर क्या बात हो रही है कि भाई मैं जो है मेरा जो भी पानी का जो भी टब था या टंकी थी है ना ट्रॉ को आप टब मान लो या टंकी मान लो है ना उसके पास क्या हुआ एक सांप आ गया और बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी थी और मैं अपने पजामा में था क्योंकि बहुत गर्मी थी और मैं वहाँ पानी पीने गया था ड्रिंक देयर पानी पीने गया था न ट्रॉ कुछ भी हो सकता है सुराही वगैरह मतलब कोई भी पानी का बर्तन बेसिकली ठीक है और इन द डीप स्ट्रीन सेंटर्ड शेड ऑफ द ग्रेट डार्क कैरप ट्री आई केम डाउन द स्टेप्स विद माय पिचर है ना अब क्या हुआ कि भाई आ, वहाँ पर एक ट्री था कैरप ट्री जो होता है कैसी फलियों वाला पेड़ होता है उसकी शेड में मैं वहाँ पर खड़ा हो गया अपने मटके के साथ और मैं वहाँ वेट कर रहा था खड़े होकर इंतज़ार कर रहा था क्योंकि वो बिल्कुल वहीं पर मेरा जो भी टंकी या टप था उसके पास साफ जो है खड़ा था ठीक है We reached down from a fissure in the earth wall in the gloom, है ना फिशर क्या होता है दरार क्रैक जो पड़ते हैं ना वो तो so, वो कहाँ से आया था जो भी uh, जो अर्थ में जो एक मतलब जो वॉल है वहां पे जो हल्का सा क्रैक था उसमें से निकल कर आया था एंड ट्रेल्ड इज येलो ब्राउन स्लैकनेस सॉफ्ट बेली डाउन ओवर द एज ऑफ द स्टोन rested इज थ्रॉट अपॉन द स्टोन बॉटम एंड वेयर द वॉटर had ड्रिप्ड from द टैप इन अ स्मॉल क्लियरनेस सेप्ट विद हिज स्ट्रेट माउथ तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि भाई वो जो था सांप जो था है ना वो आ, क्या हुआ एक जो दीवार होती है मिट्टी की उसके अंदर से आया और वो कैसा था येलो रंग का था है ना और उसका ढीला ढीला सा यहाँ पर पेट बताया गया ऑब्वियसली स्नैक स्नैक जो होता है अगर आप यहाँ देखोगे उसका ये वाला जो एरिया है ये थोड़ा सा फ्लैशी होता है और ढीला ढीला होता है इसको यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है येलो ब्राउन कलर का है ना और वो जो है कहाँ पर आकर पहुँचा है ना वो है ना कहाँ पत्थर का जो टप था जो उसके किनारे पर चढ़ गया और उसने क्या किया अपना जो थ्रोट था थ्रोट मतलब गला जो था उस पत्थर के पैंदे के ऊपर रखा है ना और फिर क्या किया वहाँ पर क्या था जो पानी था जो नल से टपक रहा था वो पानी गिर रहा था और उसने वो पानी पिया ठीक है समझ आ गया यहाँ पर सॉफ्टली ड्राइंग थ्रू हि स्ट्रीट गैग लॉन्ग बॉडी साइलेंटली Someone was before me at my water trough, and I like a second comer waiting. He lifted his head from his drinking, as cattle do, and looked at me vaguely, as drinking cattle do. ठीक है अब क्या हुआ कि भाई ना वो क्या वहाँ पानी पी रहा था और मैं जो है बहुत आराम से वो क्या कर रहा था धीरे धीरे पानी पी रहा था है ना और उसकी जो पूरी बॉडी थी उसके अंदर वो पानी जा रहा था फिर समन वॉज बिफोर मी एट माई वाटर ट्रो एंड आई लाइक अ सेकेंड कम वेटिंग है ना और वहाँ पर क्या था मुझसे पहले मुझसे पहले मेरे टब के पास कोई दूसरा इन, कोई भी व्यक्ति या कुछ भी समझ लो था और मैं जो है दूसरे व्यक्ति की तरह इंतज़ार कर रहा था He lifted his head from drinking as cattle do and looked at me vaguely as drinking cattle do. ठीक है अब क्या हुआ उसने क्या किया अपना सिर उठाया पानी पीने पानी पीते ही जैसे एक मवेशी जो होता है कैटल क्या होते हैं भेड़ बकरी वगैरह जो होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं मवेशी वो करते हैं और उसने मुझे बिल्कुल वेगली क्या हुआ देखा है ना अपना सर उठाया पानी वो कंटिन्यू पी रहा था और उसने जो है मेरी तरफ देखा और वापस से वो पानी पीने लगा एंड फ्लिकर्ड इज टू फोक्ट टंग फ्रॉम हिज लिप्स एंड म्यूज अ मोमेंट एंड स्टूब्ड एंड ड्रैंक अ लिटिल मोर यहाँ पर टू फोक्ड क्यों बोला है क्योंकि अगर तुम सांप की अगर जीप देखोगे तो कैसी होती है इस तरीके की होती है राइट right? मतलब दो इस तरीके से निकले हुए होते हैं बीच में से कट होती है ना दो में डिवाइड होती है आगे से इसलिए यहाँ पर उसको टू फॉक टंग बोला गया है है ना और उसने क्या किया वही वापस से जो है उसने अपनी जीप को अपने होटो से अंदर बाहर पानी पीने के लिए किया है ना और थोड़ा सा झुका और थोड़ा और पानी उसने पिया ठीक है स्टूब का मतलब क्या हुआ झुका लिख लो स्टूब का मतलब झुका Being earth brown, earth golden from the burning bowels of the earth, on the day of Sicilian July with Etna smoking, the voice of my education said to me, he must be killed. For in Sicily the black black snakes are innocent, the gold are venomous. ठीक है आप क्या हुआ वो पानी पी रहा था है ना आप यहाँ पर क्या हुआ उसके बारे में आगे बात हो रही है कि वो जो है जैसा था बिल्कुल ब्राउन ब्राउन था है ना अर्थ जैसा लग रहा था वो अंदर से जो है वो गोल्डन सा लग रहा था और उस टाइम का जो समय था वो कौन सा था जुलाई का समय था है ना सिसिलियन जुलाई विद एटना स्मोकिंग ठीक है इसका मतलब क्या हुआ एटना जो ज्वालामुखी है उसके धधकने के कारण जो है बहुत ज़्यादा जो है गर्मी होती है उस टाइम में उस टाइम का समय था और मेरी जो एजुकेशन है मतलब मैंने जितना पढ़ा है उसने मुझसे कहा कि भाई ये जो सांप है इसको मार देना चाहिए क्योंकि सिसिली एक प्लेस है वहाँ पर जो ब्लैक स्नैक्स होते हैं वो इनोसेंट होते हैं लेकिन जो गोल्डन स्नैक्स होते हैं वो क्या होते हैं वेनमस होते हैं ठीक है वेनमस होने का मतलब क्या हुआ जहरीले होते हैं एंड वॉइस इन मी सैड इफ़ यू वर अ मैन और एक आवाज़ जो है मेरे अंदर से मुझे कह रही थी कि इफ़ यू वर अ मैन यू वुड टेक अन् ब्रेक हिम नाउ इन फिनिश हिम ऑफ अगर तुम एक मर्द हो तो तुम्हें उसको जो है एक डंडे को लेकर उसको मार देना चाहिए बट मस्ट आई कन्फेस हाउ आई लाइक डिम लेकिन मुझे लगता है कि मुझे जो है ये बात कन्फेस करनी चाहिए है ना कि भाई आ, मतलब कहते हैं ना कि भाई मुझे ये चीज़ स्वीकार करनी चाहिए कि मैं उसको बहुत पसंद कर रहा था है ना कन्फेस्ट करने का मतलब कोई चीज़ स्वीकार करना एडमिट करना है ना कि मैं उसको पसंद कर रहा था हाउ ग्लैड आई वॉज ही हैड कम लाइक अ गेस्ट इन क्वाइट टू ड्रिंक एट माई वाटर थ्रू मैं काफ़ी खुश था कि कैसे वो एक मेहमान की तरह जो है मेरे टप से पानी पीने आया था चुपचाप शांति के साथ एंड depart पीसफुल पेसीफाइड एंड थैंकलेस इन टू द बर्निंग बावल्स ऑफ दिस अर्थ और शायद वो वैसे ही शांतिपूर्वक जो है वो वहाँ से चला भी जाता है ना कि मैं बहुत खुश था कि वो बिल्कुल शांतिपूर्वक जो है पानी पीने के लिए आया एक मेहमान के जैसे और मुझे लगा कि वही शांतिपूर्वक संतुष्ट होकर वो चला भी जाएगा ठीक है पैसिफाइड का मतलब संतुष्टित संतुष्ट Was Was it it cowardice that that I I not kill him? Was it perversity that I longed to talk to him? Was it humility to feel so honored? I felt so honored. ठीक है अब मुझे नहीं पता कि भाई क्या ये जो थी मेरे अंदर की कायरता थी कि मैं उसे मार नहीं पाया है ना Cowardice का मतलब क्या होता है कायरता कि मेरी हिम्मत नहीं हुई उसको मारने की है ना या फिर ये मेरी पवर थी है ना कि मैं चाह रहा था कि मैं उससे क्या करूं बात करूं ठीक है पवर का मतलब क्या हुआ मेरी गलत सोच या अलग सोच है ना इस तरीके से जब हम बोलते हैं गलत या अलग सोच कि मैं उससे जो है बात करना चाह रहा था है ना या फिर वो ह्यूमिलिटी थी कि मैं काफ़ी सम्मानित फील कर रहा था मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रहा था है ना और मैंने बहुत ज़्यादा सम्मानित महसूस किया ऑनर्ड का मतलब लिख लो ऑनर्ड का मतलब क्या हुआ सम्मानित And yet those voices, and all, eyes, those voices coming, if you were not afraid, you would kill him. If you were not afraid, then you kill him. And truly, I was afraid. I was most afraid, but even so honored, still more that he should seek my hospitality from out the dark door of the सीक्रेट अर्थ लेकिन मेरे अंदर से जो है वो आवाज़ फिर भी आ रही थी कि अगर तुम नहीं डरे तो तुम उसे मार दो है ना और सच तो ये था कि मैं डर गया था बहुत ही ज़्यादा डर गया था लेकिन फिर भी जो है मैं बहुत ऑनर्ड फील कर रहा था मतलब सम्मानित फील कर रहा था है ना बस मैं चाहता था कि भाई वो जो है एक मतलब कहते ना बिल्कुल गुप्त स्थान से आया था और बस मैं उसकी मेहमान नवाजी कर रहा था he drank enough and lifted his head dreamily as one who has drunken and flickered his tongue like a fogged night on the air so black seeming to lick his lips ठीक है अब क्या हुआ कि भाई उसने क्या था पानी पी लिया था जितना उसको पीना था इनफ उसने पी लिया था उसने अपना सर उठाया धीरे से और जैसे ही वो पानी पी चुका हो और एकदम जो है उसने अपनी जीप को जो है लहराया हवा में ठीक है आ, ऐसा लग रहा था कि उसने जो है अपने लिप्स को चाटा हो इस तरीके से लग रहा था ठीक है एंड लुकड अराउंड लाइक अ गॉड एंड सींग इन टू दर एंड स्लोली टर्न इज हैड एंड स्लोली वेरी स्लोली एज इफ ड्राइव अ ड्रीम प्रोसीडेड टू ड्रॉ ड्रा लेंथ कर्विंग राउंड एंड क्लाइंब अगेन द ब्रोकन बैंक ऑफ माई वॉल फेस ठीक है और जब उसने ये जबान वाला ऐसे लहराया ना ऐसे तो कैसा लगा कि जैसे वो अपने होठों को जो है चाट रहा है और वो कैसा लग रहा था वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई गॉड हो है ना और ऐसा लग रहा था कि मैंने कोई गॉड को हवा में देखा हो है ना अब क्या हुआ वो धीरे धीरे उसने अपना सर घुमाया और बहुत ही धीरे उसने क्या किया ऐसा लग रहा था कि कोई जो है हमने सपना देखा हो ठीक है अ ड्रीम का मतलब क्या हुआ तीन बार तीन बार सपना देखना थ्राई अ ड्रीम का मतलब तीन बार सपना देखा देखना और उसकी जो लंबी सी बॉडी थी जो ऑब्वियसली कर्विंग, जब मतलब ऐसे लहराता हुआ चलता है सांप है ना और जाकर वो जो है कहाँ चले गया उसी दीवार के किनारे की तरफ चढ़ गया है ना एंड एज ही पुट इज हेड इन टू द ड्रेडफुल होल एंड एज ही स्लोली ड्रू अप easing his his shoulders and entered a a sort of horror, a sort of of horror, protest against his withdrawing into that horrid black hole. जो था है ना? कि भाई जैसे ही वो अपना सर उठाकर एकदम मतलब है ना क्या हुआ वो जो छेद था जो होल था वो काफी ज्यादा भयानक दिख रहा था उसमें गया और धीरे धीरे बड़ा है ना अपने कंधों से आराम से वो आगे की तरफ बढ़ रहा था तो ऐसा लगा कि बहुत ज्यादा कोई हॉरर सा सीन हो एक तरीके का विरोध जो था वो उसका मुझे लग रहा था जो उसको उस क्षेत्र के अंदर ले जा रहा था deliberately going into the blackness and slowly drawing himself after overcame me now his back was turned I looked round, I put down my picture, I picked the clumsy log and threw it at the water trough with a clatter. I think it did not hit him. ठीक है अब क्या हुआ कि ऐसा लग रहा था कि वो जान कर कर जो है अंधेरे में जा रहा था है ना deliberately का मतलब लिख लो जानबूझ कर डिलिब्रेटली hey, का मतलब क्या हुआ जानबूझकर वो उस अंधेरे की तरफ जो है जाता जा रहा था है ना और अब मुझे क्या हुआ कुछ एक अजीब सी चीज़ हुई और उस अब मैं जो है थोड़ा सा मेरा डर खुला जैसे ही वो पीछे मुड़ा मतलब उसने मेरी तरफ पीट कर ली मैंने चारों तरफ देखा अपना जो मटका था उसे नीचे रखा और एक टुकड़ा जो है लकड़ी का वो उठाया और जो जो टप था उसकी तरफ फेंका ठीक है क्लमजी लॉग लॉग क्या होता है लकड़ी का टुकड़ा उसकी तरफ फेंका लेकिन मुझे लगता है कि वो उसको नहीं लेगा बट सडनली दैट पार्ट ऑफ दैट वॉज लेफ्ट बिहाइंड कन्फ्यूज इन अनडिग्निफाइड हेस्ट ठीक है लेकिन अब क्या हुआ अचानक उसका जो पीछे जो हिस्सा था जो अभी अंदर नहीं गया था वो एकदम क्या हुआ कांप गया क्या हुआ कांप गया अब क्या हुआ? वो एकदम जो है एक बिल्कुल लाइटनिंग की तरह, बिजली की तरह वो छटपटाया और उस गुफा के अंदर घुस गया और उसमें चला गया है ना जिस पर दोपहर तक अधिक गहनता से मैं मजबूत नजर से देखता रहा कि शायद वो अब निकलेगा अनइमिटेडली आई रिग्रेटेड और मुझे जो है तुरंत पछतावा हुआ आई थाट हाव पोल्ट्री हाव वर्लगर वॉट मीन एक्ट आई डिस्जबाइज माई सेल्फ इन द वॉसिस ऑफ माई अकर्ज ह्यूमन एजुकेशन ठीक है मुझे जो है काफ़ी ही जो है गंदा लगा मैंने सोचा कि मैंने कितना गंदा अश्लील हरकत की मुझे खुद से ही घृणा आ रही थी और जो मेरे अंदर वो आवाज़ थी एजुकेशन वाली मुझे उससे भी अब नफ़रत हो रही थी and i thought of the albatross and i wished he would come back my snake for he seemed to me again like a king like a king in exile uncrowned in the underworld now due to be crowned again and so i missed my chance with one of the lords of life and i have something to expiate ah uh, स और अब मैं जो है अल्बर्ट्रॉस अल्बर्ट्रॉस क्या होता है एक पक्षी होता है समुद्री पक्षी होता है उसके बारे में सोचने लगा है ना और मैं जो है इच्छा कर रहा था कि वो सांप जो है वापस आ जाए क्योंकि वह फिर से मुझे जो है एक किंग की तरह लग रहा था है ना एक राजा की तरह जो अंडरवर्ल्ड में निर्वासित है, है ना एक ऐसा मतलब अनक्राउंड है ना जिसके पास अभी कोई ताज नहीं है है ना जिसको अभी ताज पहनाना बाकी है है ना और फिर उसको ताज पहनाया जाना चाहिए और इसीलिए मैं जो है है ना कि भाई मैंने वो मौका गवा दिया और मैं एक छोटा सा जो है काम प्रेक्षित के लिए क्या था कि मुझे जो है बहुत ज़्यादा क्या हो रही थी पिटीनेस फील हो रही थी ठीक है तो ये आपकी पोएट्री है जो बेसिकली क्या है एक सांप के बारे में है कि पहले जो है पोइट ने सांप देखा उसको वो काफी अच्छा लगा फैसिनेट लगा लेकिन उसको डर भी लग रहा था कि उसको मारने से उसको डर लग रहा था फिर क्या जैसे जैसी वो सांप मिला तो उसमें कुछ हिम्मत आई तो उसने कोशिश की एक लकड़ी का टुकड़ा उस पर फेंकने के लिए लेकिन वो सांप डर कर जो है भाग गया और उसके बाद जो है तुरंत ही उसको पछतावा होने लगा कि मैंने जो है एक राजा के साथ बहुत ही गलत काम हरकत कर दी और अब वो जो है उसका वेट कर रहा था कि वो वापस आए और मैं उससे वापस मिल सकूँ ठीक है इसकी समरी देखो द ऑथर एक्सप्रेस इज एंड नेवरेंस फॉर स्नेक इन द पोम स्नेक यहाँ पर ऑथर जो है वो क्या बता रहे हैं वो अपना एक्सप्रेस कर रहे हैं सांप को लेकर डिस्पाइट इज एडमिशन फॉर दैम इज गॉड्स मैग्निफिसेंट क्रिएशन ही इथ ने ड्यू टू द अर्ली लेसन ही रिसीव ठीक है आप क्योंकि उसको जो है सांप बहुत पसंद था उसको लगता था कि गॉड ने कोई बहुत ही महान सी क्रिएशन बनाई है लेकिन फिर भी उसको डर लगता था क्योंकि हमें एजुकेशन ही ऐसी मिली थी द पोइटेड इन टॉर्मिना सिसली वे इट वॉज स्कॉचिंग डे वो कहाँ रहते थे टॉर्मिना में रहते थे सिसली में एक जगह है जहाँ पर बहुत ही गर्मी होती थी in an effort to find some relaxation, the speaker goes to fill his water pitcher at a trough as soon as he came out. he saw a black cobra which also came to drink water. okay, that was brown and golden. okay, brown and golden. brown and golden. जो तो पानी पीने वहाँ आया था जहाँ पर वो पानी पीने जा रहे थे अपना मटका लेकर इट वॉज़ टू हॉट दैट नाइट बहुत ही ज़्यादा जो है बहुत गर्मी थी उस दिन द स्नैक वॉज लुकिंग गोड साइलेंट एंड पीसफुल स्नैक जो है वो शांतिपूर्वक पानी पीने आया था है ना इट केम अ कैरप ट्री ओनली टू ड्रिंक वाटर वो एक पेड़ के जो पास दीवार थी उसमें से दरार से निकल कर आया था सिर्फ पानी पीने टू सी इट्स पोलाइटनेस दोएट एंड फ्योर एट फर्स्ट बट सेंस ऑफर फेल्ड हिम दैट हील द स्नेक एट एनी कॉस्ट ठीक है अब क्या हुआ उनको उससे डर नहीं लग रहा था क्योंकि वो शांतिपूर्वक बस पानी पीने आया था लेकिन उनके अंदर जो एक आवाज थी उसने उन्हें बोला कि उन्हें इस साप को मार देना चाहिए बट द स्नेक वॉज टू पीसफुल टू हेट द पोएट वॉज हॉरिफाइड टू सी द स्नेक लिदरिंग अवे पिक्ट अपड लॉक टू स्केयर द स्नेक अवे एंड थ्रू इट एट इट ठीक है अब क्या हुआ कि जैसे ही स्नेक पीछे मुड़ा तो उनके अंदर पता नहीं क्या हुआ उन्होंने एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और उसकी तरफ फेंका द टारगेट बट द स्नेक डेंजर एंड डेस्ड इन साइड द होल वो उसको हिट नहीं कर पाए लेकिन स्नेक जो है वो एकदम छटपटाया और जल्दी से अपने बिल में जाकर घुस गया द पोएट होप्ड इन लॉन्ग फॉर द स्नेक टू इमर्ज फ्रॉम इस डिग होल सो दैट ही माइट अपोलोजाइज इन मेक राइट फॉर वॉट ही हैड डन और जो पोएट है उनको पछतावा हुआ और वो यही कामना कर रहे थे कि वो जो स्नेक है वो वापस बाहर आए ताकि वो उससे माफ़ी मांग सके और सब कुछ सही कर सके अकॉर्डिंग टू द पोएट द स्नेक रिप्रजेंट एन अनक्राउंड किंग उनके हिसाब से स्नेक जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है एक बेताज राजा As a result, it is exiled and hides deep inside the earth. He felt that he lost the opportunity to इंथ्रोन and honor the king. The poet desires to crown a snake. उनका क्या मानना था कि एक ऐसा वेताज राजा है जो अंडरवर्ल्ड में रहता है मतलब जमीन के अंदर रहता है और वो चाहते थे कि वो जो किंग है जो स्नेक है उसको सम्मानित करें और उसको एक ताज पहनाएं तो इस तरीके से आपकी जो है ये कमरी है छोटी सी इस पोएट्री की ठीक है अब इसके वर्ड मीनिंग्स देख लो वाटर ट्रो है ना पानी पीने के लिए एक जो कंटेनर होता है बेसिकली वो कैरप ट्री कैरप ट्री एक डार्क ब्राउन कलर का पेड़ मतलब फ्रूट देता है ऐसा पेड़ होता है है ना ऐसे फली की तरह होता है फिशर दरार ग्लूम निराशा वेगली अस्पष्ट रूप से फ्लिकर्ड झिलमिलाता हुआ म्यूज विचार सीलिन जुलाई एट स्मोकिंग क्या होता है कि जैसे ना उस टाइम क्या होता है जुलाई के टाइम में ज्वालामुखी फटने की वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी होती है वेनमस जहरीला कावर्ड इज कायरता ठीक है इसमें यही है आप इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स जो हैं वो देख लो आप ठीक है ज़्यादा मतलब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं तो मैं अलग से नहीं करा रही हूँ आपको इसी में देखो ठीक है वेयर डिड द स्पीकर मीट द स्नेक स्पीकर की मुलाकात कहाँ हुई थी सांप से कहाँ पर हुई थी सांप से स्पीकर की मुलाकात द स्पीकर मेट द स्नैक नियर वाटर ट्रो his हाउस ठीक है तो उनकी मुलाकात कहाँ हुई थी जो उनका पानी पीने का कंटेनर था वहाँ पर हुई थी इट हैड कम देयर टू ड्रिंक वाटर वो सांप वहाँ क्यों आया था पानी पीने आया था द स्पीकर हैड ऑल्सो वेंट देयर फॉर द सेम पर्पज दैट इज फॉर ड्रिंकिंग वाटर और स्पीकर भी वहाँ पानी पीने ही गए थे वाई हेड इट कम आउट ऑफ इट्स होल नियर द ट्रो ठीक है वो क्यों आया देखो सेम ही क्वेश्चन है ऊपर वाला और ये वाला क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम ही आंसर है कि जो स्नेक है वो अपने बिल से निकल कर क्यों आया था इट हैड कम आउट ऑफ इट्स होल नियर द ट्रो टू ड्रिंक वाटर बिकॉज इट वॉज टू हॉट इंड द स्नैक वॉज थर्सटी तो वो क्यों आया था पानी पीने आया था क्योंकि बहुत गर्मी थी और स्नेक जो है प्यासा था वाई डिट द स्पीकर डिसाइडेड टू वेट जो ऑथर हैं उन्होंने इंतजार करने का क्यों डिसाइड किया The speaker decided to wait because the snake had come first near the water trough, and he, speaker was a second comer. ठीक है इसको trough कर लो ये through हो गया है गलती से इसका ये हटा दो edge. तो उन्होंने उनको ये था कि भाई स्नेक जो है वो पहले वहाँ पहुँचा है तो ऑब्वियसली पहला नंबर उसका है मैं दूसरा हूँ तो मैं इंतज़ार कर लूँगा उसके पानी पीने का हाउ डिड द स्नेक ड्रिंक वाटर स्नेक ने पानी कैसे पिया द स्नेक वेंट टू द वॉटर ट्रॉ एंड पुट हिज माउथ अपॉन द डेप्थ है ना मतलब जो बॉटम था उस पर मतलब वो गया वहाँ उसने अपनी जबान रखी अपनी जबान उसने कहाँ रखी जो पेंदा था बिल्कुल वहाँ पर ही सेप्ट द वॉटर विद इट स्ट्रेट माउथ और जो धीरे धीरे पानी टपक रहा था उसने वो पिया वॉट इज द मीनिंग ऑफ सिसिलिन जुलाई विद एटना स्मोकिंग सिसिलिन जुलाई विद एटना स्मोकिंग का क्या मतलब है ट लाइक दन कॉज एटनाड मतलब इतनी गर्मी होना जैसे ज्वालामुखी फट रहा हो इस तरीके की है ना जैसे कि इट वॉज सो हॉट एज द वेल्कन एटना इन सिसली क्योंकि वेल्कन एटना कहाँ पर है सिसिली में ही है और जब वो फटता है तो बहुत गर्मी हो जाती है वॉट इज द बिलीफ प्रिवेलिंग इन सिसली अबाउट अ स्नक क्या बिलीफ था वहां पर सिसली में स्नक के बारे में तो द बिलीव प्रिवेलिंग Sicily अबाउट अ स्नैक वॉज दैट ब्लैक snakes आर इनोसेंट काले जो स्नैक्स हैं वो मासूम होते हैं और जो गोल्डन होते हैं वो क्या होते हैं वेनेमस होते हैं मतलब पॉइजनस जहरीले होते हैं तो येलो ब्राउन गोल्डन स्नैक वुड बी किल्ड तो जो गोल्डन स्नैक है उसको मारना जरूरी होता है वाट did द स्पीकर लाइक द स्नैक स्पीकर जो है उनको सांप क्यों अच्छा लगा द स्पीकर लाइक द स्नैक बिकॉज इट लुकड मोस्ट इनोसेंट इट ड्रेंग द वॉटर पीसफुलच इट केम देर क्योंकि उन्हें लगा कि वो तो शांतिपूर्वक सिर्फ अपना पानी पीने आया है वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाने आया तो उनको स्नेक अच्छा लग रहा था डू यू थिंक ही हैड अ कॉन्फ्लिक्ट इन माइंड क्या उनके माइंड में किसी प्रकार की कोई लड़ाई चल रही थी

इट केम टू द पोएट्स हाउस टू ड्रिंक वाटर एज अ गेस्ट वो एक मेहमान की तरह पोएट के घर पानी पीने आया था इट केम कामली फॉर द पर्पज एंड डिपार्टेड पीसफुली बींग सेटिस्फाइड हेड अपील हिम द मोस्ट कि वो शांतिपूर्वक आया उसने अपना पर्पज़ जो पानी पीना था वो पूरा किया और वो शांतिपूर्वक सेटिस्फाई होके संतुष्ट होकर जा रहा था इस चीज़ ने उनको सबसे ज़्यादा आकर्षित किया वाई डिड ही नॉट लाइक इट गोइंग बैक टू द डार्क होल क्यों जब स्नैक वापस उस होल में जा रहा था तो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था द पोइट डिड नॉट लाइक इट गोइंग बैक टू द डार्क होल बिकॉज ही वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट द स्नैक दैट इट वॉज जस्ट लाइक अ गेस्ट एंड सच लाइक अ गॉड क्यों क्योंकि वो जब वो जा रहा था तो उन्हें लगा कि ये क्यों जा रहा है उसमें यह तो एक गॉड की तरह है और एक इतना मतलब उनको बहुत ही कोई अच्छा लग रहा था वट वॉज रिएक्शन आफ्टर हिटिंग द स्नेक जब उन्होंने एक लॉग उठाकर उसकी तरफ फेंका तो उसके बाद उनका क्या रिएक्शन था ही रिग्रेटेड आफ्टर हिटिंग इट उन्हें पछतावा हुआ ही ही दैट डन रॉन्ग उन्हें यह फील हुआ कि उन्होंने गलत किया उन्होंने बहुत ज्यादा मीन और अनसिविलाईज उनका एक्ट था मतलब बहुत ज्यादा अश्लील उन्होंने हरकत की उन्हें ऐसा लगा कि उन्होंने एक पाप किया है ऐसा उनका रिएक्शन था वाई डिड द स्पीकर इट अ किंग इन ठीक है उसको एक किंग इन एग्जाइल क्यों बोला स्पीकर ने द स्पीकर कंसिडर किंग इन एक्साइल बिकॉज इट वॉज पीसफुल एंड हैड डन नथिंग रॉन्ग विद हिम क्योंकि वो शांतिपूर्वक आया था उसने कुछ गलत नहीं किया स्पीकर के साथ ही वॉज इज गेस्ट एज वेल वो उनके लिए एक मेहमान था इट लुक्स इट्स लुक वॉज लाइक अ किंग इन एग्जाइल इट डिड नॉट मिस यूज इट्स पावर वो एक वैसा ही लग रहा था कि एक राजा है बहुत ज़्यादा सम्मानित राजा जिसने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं किया ठीक है तो ये कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स है आपके अब ऑब्वियसली इसके एमसीक्यूज देखते हैं हम जल्दी से ठीक है आ जाओ ओके द फ्रेज अ किंग ऑफ एक्साइल इन द पोम स्नेक स्टैंड फॉर ठीक है किंग ऑफ एग्जाइल किसके लिए बोला गया ऑब्वियसली जो पोएट्री है स्नेक के बारे में तो स्नेक के लिए आफ्टर हिटिंग द स्नैक विद लॉक द स्पीकर ऑफ द पोम स्नैक वॉन्ट्स टू ठीक है जब उन्होंने उस सांप को जो है एक लकड़ी के टुकड़े से हिट किया तो उन्हें क्या हुआ एक्सपीएड करने का दिल किया उन्हें जो है पश्चताप करने का दिल किया पश्चताप करने का दिल किया द स्नैक केम टू द पोइट्स वाटर थ्रू ए ऑन स्नैक जो है वो पानी पीने क्यों आया था और किस किस तरीके के दिन पर आया था तो कर लो ट्रो ऑन क्योंकि हॉट था गर्मी थी तो हॉट डे इन डैश अकॉर्डिंग टू द पोइट स्नैक ब्लैक स्नेक आर कंसिडर्ड इनसेंट है ना कहाँ पर ऑथर कहाँ पर थे Cicely में और सिसली में जो काले स्नैक्स होते हैं उनको इनसेंट माना जाता है तो सिसली द स्नेक इन द पोम स्नैक हिट्स द स्नैक विद ठीक है जो स्पीकर थे इस पोएट्री में इसको स्नेक है ना उन्होंने किस चीज से जो है स्नेक को हिट किया था किस चीज से किया था

टी एच लॉरेंस वो देखो डी एच लॉरेंस फिक्शनल राइटर भी थे पोएट भी थे शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे तो ऑल ऑफ दीज हिंदी पोम्स ने एक लॉरेंस डिनाउंसिस द आर्टिफिशियलिटीज ऑफ डैश लाइफ ठीक है कौन सी लाइफ की आर्टिफिशलिटी उन्होंने यहाँ पर बताई है वो आपको बताना है ठीक है तो कौन सी लाइफ की बताई है एंशेंट मेडाइवल मॉडर्न या फिर इसमें से कुछ भी नहीं तो इसका भी मैं बता देती हूँ तुमको बेसिकली मॉडर्न वाली ठीक तो है? है तो मॉडर्न इसका आंसर होगी मॉडर्न हु इज द स्पीकर इन द पोम स्नेक कौन है ऑब्वियसली खुद पोएट है तो एल एच लॉरेंस सॉरी डी एच लॉरेंस डी एच लॉरेंस एज उन द पोम कौन सी पोइट्री की स्नेक की बात हुई है ठीक है तो बहुत ईजी है एमसी क्यूज जो आपके आए हुए हैं ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है और इसी के साथ आपका ये जो पोइट्री या फिनिश होती है कल तो हम इसका नेक्स्ट चैप्टर उठाएंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए दिस इज़ मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ बाय बाय एंड हैव अ नाइस